हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से एक नई वीडियो लेके। इसकी मैंने जब ड्राफ्टिंग एंड कटिंग की जो वीडियो अपलोड की थी वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया था, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि मेरी ड्रेसेस, मेरी डिज़ाइनिंग्स और कैसी लगती हैं आप सबको। और अगर कुछ आपको न्यू वीडियो चाहिए, मीन्स न्यू डिज़ाइन जो आप चाहते हैं उसकी कटिंग में बताऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हैव अ लुक, ये ड्रेस आप फिर से देखें कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। बहुत ही ईजीली ये बन गया था, दिखने में बहुत ज़्यादा टफ है कि किस तरीके से बनेगा, बट बहुत ईजीली इसकी कटिंग हुई थी। नाउ हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे, बट उससे पहले हम उसका नेक बनाएंगे। मैंने इस पर फ्यूज़न यूज़ करा है क्योंकि इसकी स्टिचिंग प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो बार बार स्ट्रेच होता है, इसलिए मैंने इस पर फ्यूज़न यूज़ करा है। सारे फैब्रिक पे मैंने फ्यूज़न यूज़ करा है। सो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नेक भी रेडी कर लिया है, और मैंने आपको और वीडियोज़ में भी अपना नेक की स्टिचिंग बताई है। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर नेक बना दिया है, और अब मैंने यहाँ पर शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। इस तरीके से प्रेस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो ये स्ट्रेच हो रहा था स्टिचिंग में, इसलिए फ्यूज़न का ज़रूर यूज़ करें अगर कोई भी स्ट्रेचेबल आप यूज़ करते हैं फैब्रिक को। सो नाउ हम इसको स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसको प्रॉपरली प्रेस कर लें। ये मैंने अटैच कर लिए हैं स्लीव्स। जैसे कि मैंने आपको कटिंग के टाइम पे बताया था कि मुझे प्लीट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने अपनी स्लीव्स जो थी उसको ज़्यादा रखी थी, तो मैंने इसमें प्लीट्स ले लिए हैं। अब मैं अपने रिस्ट में चाहती हूँ कि स्ट्रेच हो, तो इसलिए मैं उसको मैं इलास्टिक का यूज़ करूँगी। सो जितने हमारे फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे इलास्टिक का यूज़ करेंगे। मैं 3 लाइंस लूँगी इलास्टिक की, जिससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। पहले हम उस फैब्रिक को, जो पीस है उसको अटैच कर लेंगे स्लीव में, देन उसके बाद हम उस पर इलास्टिक का यूज़ करेंगे फोल्ड करने के बाद, ताकि फोल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम उसको अटैच कर लेंगे पीस को। एक अटैच हो गया है, मैं दूसरा भी अटैच कर लूँगी। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, हम दोनों स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गई है, मैंने अटैच करके फोल्ड कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक को स्ट्रेच कर करके लगाएं ताकि वो स्ट्रेच रहे। अगर हम स्लीव के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो वो स्ट्रेच ही नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेच कर करके इलास्टिक को लगाएं। इलास्टिक पे ही हमें स्टिचिंग करनी है। ये देखिए फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट मैंने स्टिच कर लिया है ना। आप सेकंड लाइन लेंगे, हम सेकंड पे स्टिच करेंगे और दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स पे इलास्टिक लगा के रेडी कर लिया है। कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, आप देख सकते हैं।
इतनी ब्यूटीफुल सी लग रही हैं ये स्लीव्स। जब इसकी साइड स्टिच हो जाएगी तो और भी ज़्यादा बेहतरीन लगेगी ये। ये हमारी स्लीव हो गई है रेडी। इसमें मैंने 3 लेयर्स यूज़ कर लिए थे। ये देखें इस तरीके से मैंने लगाए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं या कम भी लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी लगाएं, ऐसे ही सिंपल स्टिच कर लें। नाउ अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। फर्स्टली इसमें प्लीट्स ले लेंगे, क्योंकि जितना भी फैब्रिक था मैंने फुल यूज़ करा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए था। अगर आपको कम फ्लेयर चाहिए तो आप कम फैब्रिक यूज़ करें, अपने फ्लेयर के अकॉर्डिंग फैब्रिक को यूज़ करें, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए था तो मैंने इतनी ज़्यादा प्लेट्स दी हैं। ये देखें मैंने इसमें भी फ्यूज़न यूज़ करा है, ताकि जो हमारी प्लीट्स हैं वो अच्छे से प्लेस भी रहे, और जब इसका स्टिचिंग ज्वाइंट हो जाएगी उसमें तो इसमें जो प्लीट्स हैं इस वजह से जो हमारी चोली है वो नीचे नहीं डाउन होगी। अगर हम इसमें ये यूज़ नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमारे फैब्रिक्स में हम प्लीट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो इस वजह से वो लटक सकती है चोली हमारी। सो अब हम इस पर इसको ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ पे इसको बंद कर लेंगे ज्वाइंट करके, फिर हम उसको अपना बॉटम में ज्वाइंट कर लेंगे। फर्स्टली हम चोली को पूरा कंप्लीट कर लेंगे साइड्स की स्टिचिंग करके। ये देखें ये हो गई है कंप्लीट, ये साइड्स की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें अपना जो बॉटम है उसको अटैच कर लेंगे। मैंने इसमें बड़ी बड़ी प्लीट्स दी हैं, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी प्लीट्स ही चाहिए थी। आप चाहें तो छोटी प्लीट्स भी ले सकते हैं। ये इस तरीके से प्लेस करके अब हम इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। पॉइंट लगा के ही स्टिचिंग करें। कम या ज़्यादा होता है तो हम प्लीट्स को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ये देखें कितनी इजीली हमारी स्टिचिंग हो रही है, अगर हमने फ्यूज़न यूज़ करा है तो। ये हो गई है हमारी स्टिचिंग रेडी। स्टिचिंग हो गई है पूरी कंप्लीट, और ये हो गई हमारी ड्रेस थोड़ी सी रेडी, क्योंकि अभी इसमें और डिज़ाइन देना बाकी है। अब हम ये नेट का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। मैं इसको इस तरीके से प्लीट्स बना लूँगी। मैंने इसके 2 पीसेस ले लिए हैं, जितना मुझे इस अकॉर्डिंग अपने लेंथ के अकॉर्डिंग जहाँ पे मुझे जहाँ तक मुझे डिज़ाइन चाहिए था मैंने इसके 2 पीस कर लिए थे उसको। एक पीस को मैं फ्रंट में यूज़ करूँगी और दूसरे पीस को मैं साइड में यूज़ करूँगी। तो हम इस तरीके से अपनी प्लीट्स बनाएंगे। सारी इस तरीके से हम प्लीट्स अपने ड्रेस पे सेट कर लेंगे। ये देखें मैंने इस तरीके से अपने हाथ से स्टिचेस लगा के सेट कर लिए इसको, और यहाँ पे हमारा जो है साइड वाला आएगा, और जहाँ पे स्टिचिंग आपको दिख रही है वहाँ पे हमारा बेल्ट आ जाएगा। ये देखें ये साइड पोर्शन मैं इस तरीके से लूँगी, साइड पीस जो है इसको भी थोड़ी थोड़ी प्लीट्स दे के हम सेट कर लेंगे उसको भी सेम इसकी तरह। ऊपर जो हम मैंने पिंस यूज़ करें उसकी जगह आप स्मॉल स्मॉल से स्टिचेस ले सकते हैं, जो अनसीनेबल हों, जो दिखते ना हो वो वाले स्टिचेस लगा लें आप। अगर आप वहाँ पे स्टिचेस यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो प्लीट्स हैं वो जो फैब्रिक है प्लीट्स का वो सारा डाउन हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे हम बेल्ट से इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। ये मैंने बेल्ट रेडी कर लिया है। पहले भी मैं आपको बेल्ट की एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, मैंने वाइट कॉन जो बनाया था उसमें बेल्ट बनाना सिखाया था, बट उसमें ये जो लास्ट का जो पॉइंट था ये मैंने नहीं बताया, ऐसा नहीं था, तो मैं इसमें ये बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे, हम फोल्ड करेंगे डबल और इसको इस तरीके से खोल के इस तरीके से इसको उस पर रख के, और जो साइड का जो है उसको भी फोल्ड कर लेंगे और चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। इसको पहले यहाँ से अंदर एक बार फोल्ड करेंगे, देन इस पर स्टिचिंग करेंगे। सो हम चारों तरफ इस पर स्टिचिंग कर लेंगे, चारों साइड्स करके ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। इसको फोल्ड करना ना भूलें, वरना फिनिशिंग सही नहीं आएगी। ये देखें जिस तरीके से मैंने करा है उस तरीके से इसको भी कर लें। कुछ करो, अब हम करा लिया। फ्लावर को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये मैंने एक पीस लिया था, उसको डबल फोल्ड करके स्टिच करके फिर बड़े बड़े टाके लेके मैंने इसको और एक थ्रेड को पुल कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फ्लावर का शेप देते हुए और नीचे वाला जो पोर्शन है उससे इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से स्टिचेस करते करते। देखिए पहले इसको अच्छे से प्लेस करें, ना अभी मैंने दूसरा बना लिया है टॉप वाला, हम इसको भी ऐसे ही प्लेस कर देंगे। इसको ज़्यादा मैंने स्ट्रेच कर लिया, इसके थ्रेड को ज़्यादा पुल कर लिया है ताकि इसका शेप और ज़्यादा बेटर आए। ये देखें अब हम इसको बड़े वाले के ऊपर ये छोटे वाले फ्लावर को प्लेस करेंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे। ये हो गया रेडी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।